नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आइए आइए मोहतरमा, आइए बताइए कैसे आना हुआ। जी मैं बीमार हूँ। भाई आप बीमार हैं तभी तो चली आई हैं। बीमारी का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मेरा हृदय धड़कता है। इस उम्र में लक्षण अच्छे नहीं दिखाई देते, हार्ट फेल हो सकता है। सदा घबराहट महसूस करती हूँ। यही तो मौत की निशानी है। नींद भी बहुत कम आती है। तब तो आपका बच पाना मुश्किल है। लाओ नब्ज दिखाओ। जी मैं मरना नहीं चाहती, मेरा कुछ इलाज कीजिए। भाई मरना कौन चाहता है, लेकिन मैंने अपने मरीजों को अक्सर मरते हुए देखा है। आपको सपने भी आते होंगे। सपने? जी कभी कभी। सपने में भूत भी दिखाई देते होंगे? भूत तो कभी नहीं। आज दिखाई देंगे, ध्यान से देखिएगा। मेरे कुछ इलाज कीजिए जी। एक काम कीजिए, आप हृदय के भीतरी भाग में चंदन का लेप लगाइए। जी भीतरी भाग पर? हाँ, मेरा मतलब है ये लीजिए अमर भास्कर चूर्ण, इसको इस तरह से खाइए कि पेट में ना जाकर सीधा हृदय में समा जाए। कोई परहेज भी है बहन जी? परहेज ही तो इस बीमारी का सही इलाज है। एक काम कीजिए, आप 15 दिनों तक खाना मत खाइए। जी 15 दिन तक? अरे मोहतरमा बैठ जाइए, मेरा मतलब 10 दिनों तक पानी मत पीजिए। जी पानी? हाँ मेरा मतलब ठंडी बियर की बोतल मत लीजिए, गर्म पानी उबाल कर पीजिए। बियर? जी जी जी, गर्म पानी उबाल कर पीजिए। अच्छा ठीक है, फिर कब आऊँ आपकी शरण में? जी कभी भी, लेकिन एक बात बता दूँ, वैद्य परमानंद के आश्रम में जो एक बार आता है उसे दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है।